हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा बुटीक। आज दोस्तों आपको रेडीमेड लहंगा जोड़ने का सही तरीका बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लाओ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। हम आपको पहले लहंगा दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको सही तरीका क्या है रेडीमेड लहंगा जोड़ने का वो आपको दिखाएं। दोस्तों बना हुआ रेडीमेड लहंगा है हमारा, तो इसमें दोस्तों एक तरफ ओपन आता है, इस तरीके से ये ओपन आता है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से ओपन लहंगा आता है एक तरफ, और इसे हमें दोस्तों जोड़ना होता है। तो एक तो तरीका दोस्तों ये होता है नॉर्मली जो अक्सर जोड़ के दे देते हैं, दोनों तरफ ये बंद है दोस्तों, अब इसी तरीके से हम इसे जोड़ देंगे। लेकिन ये दोस्तों हमारा तरीका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें ये जो पन्ने हैं ये अलग अलग हमें जोड़ने चाहिए, तभी हमारा लहंगा अच्छी फॉर्म देता है जुड़ने के बाद, ठीक है। अगर हम ऐसे ही हमारे दोनों हिस्से बंद हैं और इधर भी हमारा बंद है, अगर इसको ऐसे ही जोड़ देंगे इसी तरीके से बंद हिस्से कोई, तो दोस्तों हमारा लहंगा अच्छी तरीके से नहीं जुड़ेगा। तो हम इसको अच्छी तरीके से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये दोस्तों हमारा जो बंद है इन सिलाइयों को हम खोल लेंगे, ठीक है। इन दोनों पीसों को हम अलग अलग कर लेंगे और यहाँ से दोनों तरफ से इतनी इतनी दूर यहाँ नेफा जो हमारा बना हुआ है इधर भी हम खोल लेंगे, ठीक है। इसको हम खोल के सिलाई को और अलग अलग दोनों पीस कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारा हैवी लहंगा नहीं है, बिल्कुल हल्का है, नॉर्मल लहंगा है दोस्तों। लेकिन आपका सही तरीका, आपका भारी लहंगा हो या हल्का लहंगा हो, तो इस तरीके से आपका जोड़ने का सेम ही तरीका होगा। आगे हमारे बुटीक पे अगर भारी भी लहंगा आएंगे तो उसको भी हम आपको जोड़ के दिखाएंगे और चैन कैसी लगती है वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन इसमें हम बिल्कुल प्लेन जोड़ के दिखाएंगे, इसमें चैन नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। ये हमने दोनों लहंगे ये दोनों पीस हमने अलग कर लिए, ये देखो अस्तर हमने ये अलग कर लिया है, अस्तर ये हमने अलग कर लिया और ये कपड़ा जो है हमने अलग कर लिया। अब इसमें सही तरीका क्या है वो हम आपको मशीन पर चलते हैं और उसके बाद आपको सिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से भी ये जो लैस ऊपर से हमारी नेफे में लगी हुई है वो हमने इतनी खोली है, 2 से 2.5 इंच हम खोल लेंगे दोनों तरफ से, वे एकदम बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी इधर से भी हमने 2.5 इंच दोनों तरफ से एक जैसी खोल ली है लैस, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से अच्छे से जो हमारी ये कली, जैसे ये कली हमारी जुड़ी हुई है ना, इसी तरीके से कली के हिसाब से ही हम इसे जोड़ेंगे दोनों तरफ, इस तरीके से करेंगे सीधा। ये हमारा सीधा है और इस कली को हमारी सिलाई खुली नहीं है, तो अच्छे से इसको भी खोल लेंगे, ये इस तरीके से हमारी खुल गई, ये भी खुल गई। सीधा कपड़ा है इसको, अब इसको ना सीधी तरफ इस तरीके से पकड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये अंदर हमारा सीधा कपड़ा है, ठीक है। अब हम जैसे ये कली जुड़ी हुई है हमारी, ये कलियां जो जुड़ी हुई है इसी कली की तरह हम इसको जोड़ेंगे। अब इस कली, ये जो हमारी कली की सिलाई है और ये जो कली की सिलाई है, ये दोनों कली की सिलाई हम इस तरीके से मिला लेंगे आपस में, ठीक है। इस तरीके से आपस में मिला लेंगे, अब बिल्कुल कली जैसा हमें इसे जोड़ना है, ठीक है। ये कली हमने आपस में मिला ली, अब इसमें हम इस कली को, इसमें दोस्तों हमारी कली डिजाइन की कली नहीं बनी हुई है, बहुत से लहंगे जो होते हैं दोस्तों उसमें डिजाइन की ही कली बनी होती है। आगे हमारी दुकान पे आएंगे दोस्तों बुटीक पे लहंगे भारी भी, तो हम उसमें भी आपको सिखाएंगे। अब इसमें इस तरीके से कली हम नापेंगे, कली है हमारी 4 इंच की, और इस तरीके से कली को कली आपस में मिला लेंगे जोड़ों को। अब यहाँ से दोस्तों जो सिलाई हमारी लगी हुई है यहाँ से हम नापेंगे 4 इंच, यहाँ पर जो सिलाई लगी है यहाँ पर हम 4 इंच नापेंगे, तो यहाँ से 4 इंच नाप के और कली कली की तरह ही हम सिलाई लगा देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ से हमने जो हमारी कली जुड़ी हुई है दूसरी पहली वाली, इसी को हम नापेंगे 4 इंच आ रही है हमारी, और यहाँ से दोस्तों जो कली जोड़ेंगे हम 4 इंच की यहाँ से भी जोड़ेंगे, ठीक है। नाप के 4 इंच की और एक जैसी सिलाई लगा देंगे। इसमें दोस्तों हमारी कली नहीं बनी है कढ़ाई की, वरना कली हमारी जैसे ये नीचे हमारी कढ़ाई करी हुई है, ये जो नीचे हमारी कली कढ़ाई करी हुई है, तो इसी हिसाब से कढ़ाई के इस बगल से ही हम इसे चलाएंगे, जैसे कि तरीके से इस कढ़ाई को ना हम इस तरीके से आपस में जॉइंट करेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे इस तरीके से कढ़ाई को, और इस कढ़ाई के बराबर से ही हमारी सिलाई चलनी चाहिए, जिससे कि हमारी कली अच्छे से बन के आए। ऊपर हमारी कढ़ाई नहीं थी, जहाँ नेपा खुला था वहाँ पर हमारी कढ़ाई नहीं थी, तो हमने इंची टेप से नाप ली थी कली के हिसाब से कि हमारी कली कितनी बनी हुई है, ठीक है। और नीचे हमारी कढ़ाई है, तो इसी को कढ़ाई को अच्छे से इस तरीके से मिलाते जाएंगे कढ़ाई से,
इस पल्ले की भी कढ़ाई और इस पल्ले की कढ़ाई एक जैसी अच्छे से मिल जानी चाहिए और इसी कढ़ाई के बराबर से ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों ये हमारी कढ़ाई की जो लाइन है ये भी आपस में अच्छे से मिलकर आनी चाहिए जिससे कि हमारी दिखने में अच्छी लगे, आगे पीछे ना होगी कढ़ाई जिससे कि हमारी दिखने में भी बेकार लगेगी। तो इसलिए कढ़ाई को मिलाते हुए हम कली जोड़ेंगे ये पूरी। और इसमें दोस्तों हमारा हल्का सा ना ऊपर वाला पल्ला बड़ा हो रहा है तो इसमें हम हल्की सी झोल भी दे देंगे ना, थोड़ी सी नीचे वाला इस तरीके से पल्ले को खींच लेंगे और ऊपर वाला हल्का सा झोल देके हम सिलाई कर देंगे, तब भी हमारी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी कली अच्छे से जुड़ जाएगी, इतनी झोल हमें नहीं पता चलेगी। देखिए ये हमने जोड़ दी, अब हमारी ये एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि हमने कली जोड़ी है, जैसे कि हमारा यहाँ पर भी हमारी एक जैसी आ रही है कली जुड़ के और यहाँ पर हमने जोड़ी है तो यहाँ पर भी हमारी एक जैसी कली जुड़ के आ रही है तो हमारी देखने में अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा मार्जिन है मार्जिन को ना एक तरफ करके इस तरीके से या इधर कर लें या इधर कर लें, आपका दिखने में अच्छा लगना चाहिए और इस पर ना तो एक सिलाई लगा दूंगा। ये हमने एक तरफ सिलाई लगा दी जिससे कि हमारा मार्जिन एक तरफ के लिए दब जाएगा और यहाँ पर भी हमारा मार्जिन ही उठ रहा है तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से इसे दबाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारे सिलाई लगी हुई है, इसी के ऊपर हम सिलाई लगा, इधर भी हमने सिलाई लगा दी। ये हमारा मार्जिन एक तरफ के लिए दब गया है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये हमने कली जोड़ दी इसकी, ये मैन पल्ला हमने जोड़ दिया इसका, ठीक है, एक जैसा। और अब क्या करेंगे दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों ये अस्तर का भी हम पीस को अलग कर लेंगे, यहाँ से भी अस्तर अलग कर लेंगे और यहाँ से भी अलग कर लेंगे हम अस्तर। ये दोस्तों जो हमारी लैस लगी हुई है अस्तर में अटैच है उसको अलग कर ली। अब इसको इस तरीके से अच्छे से पकड़ेंगे, इसको ना उल्टा कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और इसको अच्छे से मशीन पर रखेंगे। ये हमारी मैन कपड़े की कली जुड़ी हुई है और इसको ना अस्तर को अच्छे से इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ भी हम कली के ही बराबर से अस्तर को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे, ठीक है, ये दोनों हमारे निशान लग गए। अब अस्तर को इस तरीके से पकड़ेंगे अच्छे से। अब जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए थे, एक निशान हमारा इधर लगा हुआ है और एक निशान इधर लगा हुआ है, इन निशानों को दोनों अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। निशान पे एक निशान ये है हमारा और एक निशान ये है और इसको अस्तर को एक जैसा जोड़ लेंगे। हमने जोड़ दिया है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे करेंगे सीधा इस तरीके से, इसे ना सीधा करें। यहाँ पर हमारा नेफा ओपन होगा, ये इस तरीके से हमारा जुड़ के आ गया, ठीक है, अच्छे से जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से मार्जिन को एक तरफ करेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। पहले हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर ये अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है। पहले हम ऊपर की तरफ यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे हम, पहले यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली, ठीक है, और यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे जिससे कि हमारा नाड़ा वगैरह डालेंगे तो हमारा खुलेगा नहीं। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ जो हमारी लैस है इसी के बराबर से इस तरीके से रखेंगे। ये हमने एक तरफ सिलाई लगा ली, अब लगाएंगे नीचे तरफ सिलाई, नीचे हमारी यहाँ से खुली हुई है तो थोड़ी दूर पे से यहाँ से सिलाई लगाएं, इसको अच्छे से सेट करेंगे इस तरीके से, झोल वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से सेट कर लेंगे हम। यहाँ तक हमने एक पहली तरफ सिलाई लगा ली, ठीक है, यहाँ तक हमने पक्का कर लिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम लैस को इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसी के बराबर से ही जैसे हमने ऊपर सिलाई लगाई थी इसी के बराबर से इस तरीके से लैस को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम दोस्तों हल्का सा पक्का कर लेंगे, ठीक है, पक्का कर लिया। अब सिलाई को पूरा करते हैं। ये दोस्तों हमारा लहंगा जुड़ गया है और एक जैसी कली की तरह लग रहा है, ठीक है, और इसमें हम नेफा इतना हमने खोल लिया है जिससे कि हमारा नाड़ा अच्छे से डल जाएगा इसमें, ठीक है, और हम दिखा देते हैं आपको अच्छे से। ये देखिए दोस्तों हमारा लहंगा अच्छे से जुड़ गया है। अब इसमें अच्छे से किस तरीके से जुड़ा दोस्तों, जैसे कि हमारी सिलाई थी, अभी सही तरीका क्या है दोस्तों, जैसे हमारा अस्तर अलग है, ठीक है, और मैन पल्ला अलग है इसका,
तो क्या होगा दोस्तों, इसकी फॉल हमारी अच्छे से आएगी। अगर वैसे ही जुड़े हुए में हम इसे जोड़ देते तो हमारी फॉल अच्छी नहीं आती। एक तरफ के लिए हमारा लहंगा भागता रहता और खिंचता रहता, तो हमारा लहंगा अच्छे से फॉल नहीं बनती। इस तरीके से हमारा लहंगा जुड़ता है। सही तरीका ये है दोस्तों हमारा जोड़ने का लहंगा, जो हमने आपको सिखा दिया। और आगे हमारे पास और भी लहंगे आएंगे भारी से भारी, हम उसमें आपको चैन वगैरह जिप वगैरह सब कुछ लगाना बताएंगे। ये दोस्तों हमारा बिल्कुल नॉर्मल लहंगा है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल लहंगा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास लहंगा आता है तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। सही तरीका यही है लहंगा जोड़ने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाव कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।